स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास। इसमें टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। ये पार्ट सेकेंड है, आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट इसका देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31, कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इस ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए आर आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ये सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक आधारभूत कमजोरी इसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, क्योंकि प्रारंभिक दौर में उदारवादी नेतृत्व दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि थे, उच्च वर्गीय था। लेकिन यह उदारवादी नेतृत्व सामाजिक समूहों के संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं लड़ता था, बल्कि अशिक्षित जनता में चेतना जगाना चाहता था। बाद में वे भारत की व्यापक जन चेतना एवं सामाजिक आंदोलन के सूत्रधार बने। इन्हीं के विचारों का प्रभाव आगामी राजनीतिक पृष्ठभूमि का आधार बना। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। प्रश्न नंबर 32, कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे। कथन कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी गरम दल राष्ट्रवादी नेता थे, ना कि सांप्रदायिकवादी। उनके द्वारा हिंदू त्योहारों जैसे 1893 में गणपति महोत्सव और वर्ष 1895 में शिवाजी उत्सव आदि को मनाने का उद्देश्य आत्म गौरव एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़ा था। अतः यह माना जा सकता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 33, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक ज्यों निकार ने वर्णन किया, ए पंडित मदन मोहन मालवीय, बी महाविंद गोविंद रनाडे, सी गोपाल कृष्ण गोखले का, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। उपरोक्त वर्णन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है, जिन्होंने 1866 में कोल्हापुर में जन्म लिया, 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक हुए, 1886 में आपको फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में अर्थशास्त्र एवं इतिहास का आचार्य नियुक्त किया गया, 1902 में आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनके राजनीतिक गुरु एम जी रनाडे थे, गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी हेनरी डेविड थेरो, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, ए बिपिन चंद्र पाल, बी बी जी तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर ऑप्शन डी जी के गोखले। प्रश्न नंबर 36, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, ए 1902, बी 1905, सी 1906, डी 1909। सही उत्तर ऑप्शन बी 1905। प्रश्न नंबर 37, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की, ए डेकन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन फेडरेशन, डी
भारतीय जिम्मेदारी एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रश्न नंबर 38, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। सही उत्तर ऑप्शन डी 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1916 भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णता सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। संभवतः उदारवादी दल की सबसे महान सेवा उस समय हुई जब इन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण है। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त तथा वासा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। एडवर्ड वेबन के शब्दों में, ब्रिटिश राज में एक प्रकार का ऐसे लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय तक जकड़ कर बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियों तथा आंतरिक परिवर्तन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए और रोगों ने पुनः अपनी आंतरिक एकता का तथा संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली। प्रश्न नंबर 40, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ए असहयोग, बी राजवंबद्ध आंदोलन, सी अनुकूल परिविघटन, डी अविधेयक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजवंबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवंबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल परिविघटन यानी पैसिव रेसिस्टेंस उग्रवादियों की मुख्य मांगे थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्वायत्तता था। प्रश्न नंबर 41, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था। ए स्वतंत्रता, बी स्वराज्य, सी औपनिवेशिक स्वायत्तता, डी प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। सही उत्तर ऑप्शन सी औपनिवेशिक स्वायत्तता। प्रश्न नंबर 42, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी दोनों ग्रामीण तथा शहरी, डी पंजाब से। सही उत्तर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। प्रारंभ में भारत के अधिकतम नेता नरमपंथी स्वभाव के थे जिसमें महाविंद गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता प्रमुख थे। ये अधिकतर शहरी थे और अपने अपने क्षेत्र के सफल व्यक्ति थे, अर्थात राजनीतिक इनकी पेशा नहीं था। उपाधि और बड़े बड़े पद इन्हें आकर्षित करता था। एक बार फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। ए बिपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम व 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए और तरुण दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का कड़ा आलोचक था। इनका मानना था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए। इन्हें इनके विचारों के कारण उग्रवादी कहा गया। लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख उग्रवादी नेता थे। चंद्र चटर्जी उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। प्रश्न नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए
वे भारत से संपदा के अपहरण के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे। ऑप्शन बी, वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे। ऑप्शन सी, वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। ऑप्शन डी, वे ब्रिटेन की सामाजिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई। इसके संस्थापक एओ होम तथा प्रथम अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रकार के नेता थे, एक गर्म दल के, दूसरे नरम दल के। नरम दल के नेता ब्रिटेन की सामाजिक अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान को समझते थे। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारतीय संपदा के अपोहन के लिए ब्रिटिश की आलोचना की। नरम दल के नेता जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन शोषण की समस्या की आलोचना करते थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया, जबकि गर्म दलीय नेता समझौते की याचना की जगह अपना अधिकार समझते थे। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें निर्दिष्ट एक व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासक के रूप में उनके दायित्व के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध के समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की, जिसके वे मानद सचिव थे। ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता, बी मैरी कारपेंटर, सी दादा भाई नौरोजी, डी आनंद मोहन बोस। सही उत्तर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान ब्रिटिश लोगों को भारत के शासक के रूप में उनके दायित्व के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के न्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध के समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।